नमस्कार, उड़ान आई एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। आज की क्लास में हम देखेंगे प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें, उड़ान आई एकेडमी 9 वर्ष की निरंतरता को बनाए हुए इस बार भी नवाचार के माध्यम से CGPSC प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जिसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जहां आपको न्यूनतम शुल्क में अधिकतम टेस्ट उपलब्ध होंगे, जिसमें कुल 5100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो विश्लेषण भी प्राप्त होंगे। आगे बढ़ने से पूर्व देखिएगा, ऐसे ही वीडियोस और करंट से अपडेट होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और विभिन्न अध्ययन CGPSC, IBPS और ACF के क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे उड़ान आईएएस अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही आपको ये बता दें, उड़ान आईएएस अकेडमी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बुक भी प्रकाशित किए गए हैं, जो आने वाले या आपके एग्जाम के लिए या आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं अभिलेख होता क्या है, फिर उसके बाद हम अपने विषय की ओर चलेंगे, टॉपिक की ओर चलेंगे। देखते हैं, अभिलेख जो है पत्थर और धातु में उत्कीर्ण कराए जाने वाले पाठन सामग्री होते थे, जो शासकों द्वारा अपनी प्रजा को संबोधन में उत्कीर्ण कराए जाते थे, जिसे प्रजा देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। आइए देखते हैं प्राचीन भारत में हुए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो हमारे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अभिलेखों की अगर बात करें तो दो जो हम अभिलेखों की बात करेंगे वो भारत के बाहर के हैं, जिसमें पहला है बुगजकोई अभिलेख और दूसरा है नक्शे रुस्तम। बाकी जितने भी हम अभिलेख पढ़ेंगे वो भारतीय शासकों से संबंधित रहेंगे। जैसे देखिएगा, हम देखेंगे महास्थान और सोहगोरा जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के हैं, फिर देखेंगे अशोक के अभिलेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर देखेंगे अयोध्या और गरुड़ स्तंभ के बारे में जो शुंगकालीन है, फिर उसके बाद देखिएगा नानाघाट अभिलेख और नासिक अभिलेख जो सातवाहन काल से संबंधित है, हाथी गुफा अभिलेख जो महामेद वंश शासक खारवेल से संबंधित है, वही हम बात करेंगे जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति, उदयगिरी अभिलेख, मेहरौली स्तंभ, एरन अभिलेख जो गुप्त वंश से संबंधित है, फिर बात करेंगे चालुक्य वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभिलेख एहोल प्रशस्ति के बारे में, और बात करेंगे प्रतिहार वंश से संबंधित ग्वालियर अभिलेख और सेन वंश से संबंधित देवपाड़ा अभिलेख। तो ये सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हमें विस्तार में पढ़ना है। आइए देखते हैं, आज का महत्वपूर्ण पहला अभिलेख है बुगजकोई अभिलेख, जो हमें एशियन माइनर नामक स्थान से प्राप्त होता है। यह स्थान तुर्क और सीरिया के समीप स्थित है। यह अभिलेख को मितनी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे मितनी नामक राजा ने जारी किया था। देखिएगा, यह अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखों में से एक है, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व पुराना है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि इस अभिलेख में राजा मितनी के एक युद्ध का उल्लेख है, जहां उन्होंने सुब्बालिमे को पराजित किया था। अब सुब्बालिमे को पराजित कर उन्होंने पूरा पूरा आभार जो है अपने देवताओं को समर्पित किया, और इसी अभिलेख में चार देवताओं के नाम आपको मिलते हैं, जो हैं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। अब अगर मैं बात करूं इंद्र, वरुण, नासत्य, तो मित्र और नासत्य को आप उतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन इंद्र और वरुण जो है आपके वैदिक देवता है। आज भी हम भारतीय धार्मिक ग्रंथों में इनका नाम हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इनका संबंध हम किससे ले रहे हैं, आर्यों से। तो एक प्रकार से यह है कि मध्य एशिया वाले क्षेत्रों से या पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्रों से हमने माना कि किनका आगमन हुआ है, तो आर्यों का आगमन हुआ है। तो एक लिखित साक्ष्य हमें यहां से भी प्राप्त होता है आर्यों के आगमन का। तो बुगजकोई हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि देखिएगा, इससे हमें क्या क्या पता चलता है। एक तो पुराने समय के शासक ही क्या करते थे, अभिलेख लिखवाते थे। दूसरा देखते हैं कि यहां पर अपने देवताओं को संबोधित करते थे, और यहां पर यह भी पता चलता है कि यहां से भारत में आर्यों का आगमन किस स्थान से हुआ होगा। ये सभी जानकारी हमको इस अभिलेख से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले अभिलेख की ओर, जो है नक्श ए रुस्तम। आपको पता है भारत में विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानी थे। ईरान के हकमनी वंश के शासक सबसे पहले थे साइरस, जिन्होंने भारत में असफल अभियान किया था। इसी के उत्तराधिकारी डोरियस ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अधिकार किया। हम आपको बता दें कि राजा डोरियस ने इसे पुख्ता करने के लिए नक्शे रुस्तम नामक अभिलेख जारी किया। तो देखिएगा, यहां से वे अभिलेख हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करें, इसमें इन्होंने यह बताया कि मैं सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग पर कब्जा किया है, और यहां पर देखिएगा सिंधु के पश्चिम में कब्जा कर पंजाब पर अधिकार किया है। ये सभी जानकारी हमको इसी अभिलेख से प्राप्त होती है, जो राजा डोरियस की है। राजा डोरियस के इसी नक्श ए रुस्तम अभिलेख से प्रभावित होकर ही अशोक ने प्रजा को संबोधित करते हुए अनेक अभिलेख जारी किए, जो हम आगे विस्तार में पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, अगले जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसमें है महास्थान अभिलेख और सोहगोरा अभिलेख, या कहे ताम्रपत्र। अब देखिएगा, ये दोनों अभिलेख जो है वो
मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अब बात करते हैं महास्थान अभिलेख की, तो देखिएगा ये महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बुगरा जिले से प्राप्त हुआ है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। बात करें इसमें कि किस चीज का उल्लेख है, तो आप देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल अभियान का यहाँ पर उल्लेख आपको दिखाई पड़ता है। पढ़ते हैं आगे, अगला अभिलेख है सोहगौरा अभिलेख या सोहगौरा ताम्रपत्र। देखिएगा सोहगौरा ताम्रपत्र आपको ऐसे दिखाई देगा, यह अभिलेख आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्राप्त हुआ था। इसमें बता दें अकाल, अकाल को ही याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, दुर्भिक्ष। तो उस समय जो अकाल हुआ था, जो दुर्भिक्ष हुआ था, उस पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने कोष्ठागार या कहें अन्नागार के निर्माण किए थे। तीन अन्नागारों के निर्माण का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रजा को संबोधन करने का कोई भी उल्लेख नहीं है, राजा अपने कार्य का उल्लेख कर रहा है। तो याद रखिएगा भारत में प्रजा को संबोधित करते हुए अभिलेख जारी कराने का श्रेय जो है अशोक को जाता है। सम्राट अशोक ही पहले शासक हुए जिन्होंने प्रजा को संबोधित करते हुए अभिलेख जारी किए। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो इनको प्रेरणा मिली थी, जैसे कि हमने बताया, नक्स एरुस्तम जो शासक डोरियस का था, ईरानी शासक। अब हम देखें तो इनके लगभग 40 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं जो अलग अलग लिपि में लिखे गए, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी लिपि में हमको इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब देखिएगा इनको सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसप को जाता है। अब याद रखिएगा सबसे पहले इसे 1750 में इन अभिलेखों को ढूंढा गया था टी फेंथलर के द्वारा और उनको पढ़ा गया जेम्स प्रिंसप के द्वारा, याद रखिएगा 1837 में। ये दोनों ही डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा गया, एक हुआ शिलालेख, दूसरा हुआ स्तंभ लेख और तीसरा हुआ गुहा लेख। गुहा लेख में बता दूं आपको, बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाएं मिलेंगी जहां पर लेख लिखे गए हैं। उन गुफाओं को चार नाम दिए गए हैं, तो आप याद रखिएगा चार नाम क्या क्या हैं। तो वो चार नाम आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे, कर्ण, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ऐसे गुफा लेखों के नाम हैं। अब देखिएगा हम आपको बता दें कि यहां पर देखिए शिला लेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख अलग अलग लिपि में लिखे गए। अब यहां पर याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया गुहा लेख, यहां पर स्तंभ लेख भी लिखे गए वो भी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जबकि शिला लेख जो है अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे कि आपके ब्राह्मी लिपि के भी शिला लेख मिले हैं, खरोष्ठी लिपि के शिलालेख मिले हैं, अरमाइक लिपि के शिलालेख मिले हैं और यहां तक कि यूनानी लिपि के भी शिलालेख मिले हैं। तो देखते हैं अशोक के विभिन्न लिपियों के शिलालेख, जिसमें पहला है शहबाजगढ़ी अभिलेख जो आपको कहां से प्राप्त होता है, पाकिस्तान से प्राप्त होता है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। मानसेहरा अभिलेख, ये भी आपको पाकिस्तान से प्राप्त होता है, ये भी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला अभिलेख और लगभान अभिलेख, ये अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अब आपको बता दें गंधार अभिलेख या इसे कहते हैं शार ए कुना अभिलेख, ये दो लिपियों में लिखा गया है। तो ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख में दो लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिए इसमें अरमाइक या यूनानी या इसी को क्या बोल दिया जाएगा, ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा अनुराधापुर, ये जो स्थान है ये आपके श्रीलंका में है, तो यहां पर भी क्या है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कौन से लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण अभिलेख है जो अलग अलग लिपि में लिखे गए वो हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं अशोक के नाम जो है या उपाधियों का वर्णन जो है अलग अलग अभिलेखों में क्या किया गया है। जैसे हम आपको बता दें अभिलेखों में सामान्यता इनका नाम देव नाम प्रिय मिलता है। वही बात करते हैं भाबरू जो हमें जयपुर राजस्थान से प्राप्त होता है, यहां पर प्रियदर्शी नाम का उल्लेख है अशोक के। वही देखते हैं मास्की जो आपके रायचूर में है कर्नाटक में, इसमें बुद्ध शाक का उल्लेख मिला है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गेलन, यहां पर अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, अर्थात यहां पर अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। वही अभिलेखों से इतर बात करें तो पुराण, खासकर विष्णु पुराण में इनका नाम जो है अशोक वर्धन मिलता है। वही दीप वंश ग्रंथ जो श्रीलंका से हमें प्राप्त हुआ है, वहां पर इन्हें उज्जैनी करमोली कहा गया है, क्योंकि शासक बनने से पूर्व उज्जैन के क्या रहते हैं, प्रांतपाल रहते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अशोक के दीर्घ शिलालेखों में। अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा अगर भारत का नक्शा बनाकर अगर इसे पढ़ा जाए तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। पाकिस्तान एरिया से दो आपको मिलते हैं जो कौन है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। फिर बात करते हैं गिन्नार जिसे काठियावाड़ या जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, और फिर सोपारा जो महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं कालसी जो आपके उत्तराखंड से मिलता है। फिर देखिएगा धौली और जौगढ़ उड़ीसा से है, और एर्रागुड़ी अभिलेख जो है आपके आंध्र प्रदेश है। तो इसको आप अगर ऐसे पढ़ लें कि पश्चिम में चार और पूर्व में चार, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिएगा
जूनागढ़ अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ऐसे अभिलेख खुदवाया जाता था। और जूनागढ़ अभिलेख कुछ इस प्रकार है कि ये आपको एक भवन मिलेगा जूनागढ़ में, जहां पर इस शिला को संरक्षित करके रखा गया है। यही जूनागढ़ अभिलेख है और यही क्या गिरनार अभिलेख और काठियावाड़ अभिलेख भी कहलाता है। कुछ ऐसे आपको दृश्य दिखाई देंगे, यही जूनागढ़ अभिलेख में लिखे गए हैं। अब याद रखिएगा जो गिरनार अभिलेख, जिसे मैं बार बार आपको जूनागढ़ अभिलेख कहकर बता रहा हूं, याद रखिएगा गिरनार अभिलेख जिसे मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूं, जूनागढ़ अभिलेख बोल रहा हूं, इसी अभिलेख के नीचे ही शक शासक रुद्रदामन ने अपने लेख लिखवाए हैं जो संस्कृत में है। आगे हम उसको विस्तार में पढ़ेंगे। बात करते हैं अब शासक अशोक के स्तंभ अभिलेख के। तो देखिएगा ये इलाहाबाद में मिला, फिर दो मिला आपको यहां पर, याद रखिएगा टोपरा वाला जो अभिलेख है वो हरियाणा में है और मेरठ वाला आपके उत्तर प्रदेश में। अब समझिएगा ये दोनों अभिलेखों को दिल्ली लाने का कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और बाद के जो तीन अभिलेख हैं ये सब के सब कहां पर हैं, बिहार में, जिसमें कौन कौन है तो लौरिया नंदराज, लौरिया अर्रराज और रामपुरवा। अब देखिएगा लघु स्तंभ लेख की अगर मैं बात करूं तो ये जो अलाहाबाद या कौशंबी अभिलेख लिखा हुआ है इसे ही रानी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर अशोक के पत्नी कौरवकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख है। ये है आपके रानी अभिलेख या इसे कहते हैं कौशंबी अभिलेख। इसी अभिलेख के नीचे ही समुद्रगुप्त ने अपने अभियानों का उल्लेख कराया है, किसके माध्यम से, तो हरिश्रेण के माध्यम से। तो याद रखिए दोस्तों वही अशोक के अभिलेख के नीचे ही यहां पर प्रयाग प्रशस्ति बनी हुई है, तो यही प्रयाग प्रशस्ति है। और अकबर के शासनकाल में जहांगीर इसे इलाहाबाद लेकर जाएंगे, पहले याद रखिएगा ये कहां पर है, कौशंबी में है। अकबर के शासनकाल में जहांगीर इसे इलाहाबाद लेकर जाएंगे और उसी समय बीरबल अपने कुछ लेख इस पर अंकित कराएंगे। और याद रखिएगा इसी स्तंभ अभिलेख में जहांगीर के गद्दी पर बैठने का भी उल्लेख किया गया है, तो याद रखिए जहांगीर का भी यहां पर उल्लेख मिलता है। तो कोई अलग अलग अभिलेख नहीं है कि अशोक का कौशंबी अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का अभिलेख एक ही स्तंभ में आपको दिखाई पड़ते हैं। और बात करें सारनाथ की तो सारनाथ में आपको क्या दिखाई देता है, सिंह या बोले तो लॉयन कैपिटल आपको दिखाई देगा, जहां पर आप क्या देखते हैं चार सिंह एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे हुए हैं, जो भारत का क्या है राष्ट्रीय प्रतीक है। और यहां पर जो चक्र प्रयोग किया गया है इसे तिरंगे में भी शामिल किया गया है जिसमें 24 तीलियां हैं। रुम्बनदेही अगर अभिलेख की बात करूं तो आपको रुम्बनदेही अभिलेख कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहीं पर जब सम्राट अशोक तीर्थ यात्रा करते हुए लुम्बिनी पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म इसी स्थान पर हुआ था, तो एक अभिलेख जारी करते हैं जहां पर बलि नामक धार्मिक कर को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो उनके द्वारा भू राजस्व लिया जाता था 1/6 उसे 1/6 से क्या कर देते हैं 1/8 कर देते हैं, मतलब वो कर को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। तो ये पूरा चीज का उल्लेख याद रखिएगा रुम्बनदेही अभिलेख में प्राप्त होता है। अब एकमात्र अशोक के अभिलेख जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति दिखाई गई है और याद रखिएगा अब तक के अभिलेखों में प्राप्त सबसे छोटा अभिलेख रुम्बनदेही अभिलेख है जो आपको नेपाल से प्राप्त होता है। निगाली सागर भी आपको कहां से प्राप्त होगा, नेपाल से प्राप्त होगा। अब अशोक के वृहद शिलालेखों में एक शिलालेख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है 13वां शिलालेख, जहां पर आपको कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। जो युद्ध हुआ था कब, 261 ईसा पूर्व में। यह युद्ध अशोक और वहां के राजा नंदराज के बीच हुआ था। अब देखिएगा इसी अभिलेख में 5 ईवन शासकों का भी उल्लेख मिलता है, जो देखिएगा आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहां पर पढ़िएगा 5 शासक कौन कौन से थे। अब बढ़ते हैं धनदेव के अयोध्या अभिलेख की ओर, जिसमें हमको शुंग वंश की जानकारी मिलती है और शुंग वंश के शासक उस समय हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग। अब देखिएगा पहले अभिलेख को और बढ़ते हैं तो यहां पर देखिएगा हम देखने वाले हैं अयोध्या अभिलेख। दूसरा अभिलेख जो हम देखेंगे गरुड़ स्तंभ को देखेंगे। तो देखिएगा इस अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है और इसके अनुसार क्या है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराया था और इसके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। जी हाँ, वही पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की है। अब देखिएगा इसमें बताया गया है कि ये क्या थे, बौद्ध विरोधी शासक थे, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की है और बहुत सारे स्तूपों को इन्होंने क्या किया है, नष्ट किया है। फिर भी आगे चलकर ये क्या करते हैं, भरूत स्तूप का निर्माण कराते हैं जो आज नष्ट हो चुका है लगभग। और क्या कराते हैं, ये जो आप दिख रहे हैं ये क्या है, वेदिकाएं हैं जिनको क्या बोलते हैं, घेरे। तो ये अशोक के समय जब ये बने रहते हैं तब इसमें क्या रहते हैं, लकड़ी के घेरे रहते हैं। इन्हीं लकड़ी के घेरों को हटाकर ये क्या करते हैं, पाषाण घेरे लगवाते हैं, जंगले भी इसे कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा यहां पर ये तोरण द्वार का भी निर्माण कराते हैं, तो ये तोरण द्वार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहां पर हमको अयोध्या अभिलेख से किसकी जानकारी मिली है, पुष्यमित्र शुंग की। आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं गरुड़ स्तंभ के बारे में। गरुड़ स्तंभ जो है यवन राजदूत
हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया। हेलियोडोरस को उसके राजा एंटियाल किट्स ने भागभद्र के दरबार में भेजा था, जो एक शुंग शासक थे। यहां पर जब वो आते हैं तो यहां के विष्णु भक्ति से प्रभावित होते हैं और उसी भक्ति भावना में क्या करते हैं, भागवत धर्म भी स्वीकार करते हैं और विदिशा में, जिसे बेस नगर के भी नाम से जाना जाता है, वहां क्या करते हैं, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करते हैं, जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, इसकी ये विशेषता है। अब देखते हैं नानाघाट अभिलेख और नासिक अभिलेख जो किससे संबंधित है, सातवाहन शासकों से। अब हम पहली बात कर रहे हैं नानाघाट अभिलेख, जिसको नानेघाट अभिलेख भी कहा जाता है। यह अभिलेख सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका या कहें नागानिका ने जारी किया था उनके पति की मृत्यु के बाद, जहां पर इस बात का उल्लेख है कि सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ और एक राशु यज्ञ भी कराया तथा अग्रहार परंपरा की शुरुआत भी कराई। आपको बता दें, अग्रहार भूमि दान देने की प्रथा है। तो प्रश्न पूछा जाता है, भूमि दान देने की प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो आप याद रखेगा, नानाघाट अभिलेख। तो देखिएगा, ये पहाड़ियां हैं और उस पर कुछ अभिलेख मिले, यही है नानाघाट अभिलेख। अब बात करते हैं नासिक अभिलेख की। नासिक अभिलेख याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है, लेकिन इसे बनवाया किसने? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता ने, जिसका नाम है गौतमी बालश्री, इन्होंने बनवाया था। और इसमें इन्होंने क्या उल्लेख किया है कि अपने पुत्र के किए गए अभियानों का उल्लेख है। और इस बात का क्या उल्लेख है और इसमें किसका उल्लेख है? तो याद रखिएगा, इन्होंने महाराष्ट्र शाखा के शक शासक नहपान को पराजित कर पश्चिम पति की उपाधि धारण की, इस बात का उल्लेख यहां पर आपको दिखाई पड़ता है। तो ये हुआ हमारा नासिक अभिलेख। बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की, जो खारवेल से संबंधित है। और खारवेल जो है राजा, वो महामेध वाहन वंश के शासक है। अब आपको बता दें कि महामेध वाहन वंश के शासक खारवेल अति पराक्रमी थे। उन्होंने 15 वर्षों तक विद्या का अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने धर्म, अर्थ, शासन, मुद्रा पद्धति, कानून, शस्त्र, अस्त्र आदि का शिक्षा प्राप्त की। अब आपको बता दें, जैसे ये शासक बनते हैं तो ये कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण करते हैं। अब आपको ये भी आपको बता दें कि खारवेल जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। और हाथी गुफा अभिलेख से ही नहर बनाने के प्रथम लिखित साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी एक याद रखेगा, नहर बनाने के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? तो आप याद रखिए, कहां से? हाथी गुफा अभिलेख से। अब बढ़ते हैं जूनागढ़ अभिलेख की ओर। तो मैंने बताया था, जूनागढ़ अभिलेख कोई और अभिलेख नहीं, वही गिरनार अभिलेख है जो अशोक ने बनवाया था। उसी अभिलेख के नीचे शासक रुद्रदामन ने अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराया। अब देखिएगा, जो भारत का ये वाला हिस्सा है, यहां पर है जूनागढ़, यहीं पर जूनागढ़ में अभिलेख जारी करवाते हैं अशोक, और उसी अभिलेख के नीचे अपना भी कार्य का विवरण देंगे रुद्रदामन। अब समझिएगा यहां पर किस चीज का उल्लेख है। तो यहां पर याद रखिएगा, सुदर्शन झील का उल्लेख है। अब याद रखिएगा, जब रुद्रदामन जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं तो उनको एक क्या दिखाई देता है, सूखा हुआ झील दिखाई देता है, जहां से पानी निकल चुका है, उसका वो मरम्मत कराते हैं। तभी जब मरम्मत करा रहे होते, तभी उनको एक अभिलेख मिलता है। इसी अभिलेख के नीचे वो अपने कार्य को भी उल्लेख कराएंगे। अब यहां से क्या पता चलता है कि जूनागढ़ अभिलेख से चार शासकों का आपको पता चलेगा। अब याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पता चलेगा, अशोक के नाम का उल्लेख मिलेगा आपको, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। अब देखिएगा, यहां पर समय समय पर शासकों के नाम के आपके उल्लेख मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहां पर ये जो झील है, सुदर्शन झील की जो हम बात कर रहे हैं, वो बनवाया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। फिर इसमें नहर निकलवाने का कार्य किया अशोक ने। फिर इसी झील का मरम्मत कराया, या कहें जीर्णोद्धार कराया, रुद्रदामन ने। और बहुत समय बाद, लगभग 450 के आसपास, स्कंदगुप्त ने इस झील की मरम्मत कराई, जीर्णोद्धार कराया, और इसी झील के समीप इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो पहला विष्णु मंदिर है जहां विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता की भी मूर्ति स्थापित की गई। और आपको बता दें कि जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन के द्वारा आगे बनाया गया, वो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह भारत की प्राचीन संस्कृत में लिखी गई लिपि है, जो सर्वाधिक लंबी है। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा ही जाता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं गुप्त वंश से संबंधित एक और अभिलेख की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रयाग प्रशस्ति। अब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मैंने बता चुका था कि ये वही स्तंभ है जो अशोक ने कौशाम्बी में बनवाया था, जिसे रानी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है।
अब इसी अभिलेख में हरिसेन क्या करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति लिखाते हैं। और ये कौन से शैली में लिखवाया, तो याद रखेगा चंपू शैली में। चंपू शैली अर्थात याद रखेगा गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति वही अभिलेख है जो अशोक ने बनवाया था, जिसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त के अभियानों को उल्लेख किया है। और इसे अकबर ने कौशंबी से हटाकर कहां, इलाहाबाद में रखवाया। तो ये किसने किया, इलाहाबाद से हटाकर कौन ले गया था, तो जहांगीर ले गया था अकबर के शासनकाल में। और इसी में याद रखेगा कि बीरबल के भी लेख उत्कीर्ण कराए गए हैं और यहां पर जहांगीर के बादशाह बनने के भी उल्लेख किया गया है। बात करते हैं उदयगिरी अभिलेख की, जो शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। अब देखिएगा यहां पर गुहा लेख इन्होंने जारी किया है, ये देखिएगा आपको ऐसे दिखाई देंगे पहाड़ियां। यहां पर लगभग 20 गुफाएं हैं, जिसमें से पांचवी जो गुफा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर वराह राज या कहें भगवान विष्णु की वराह राज रूप में प्रतिमा है, और उसी प्रतिमा में उन्होंने एक नाग का सर दबाया हुआ ऐसा दिखाया गया है। मेहरौली स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो यह अभिलेख जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, लेकिन कुछ इतिहासकारों में मतभेद है इसे लेकर। अब बता दें यह अभिलेख पहले कहां था, विष्णु मंदिर के निकट रखा था, परंतु बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इसे कुतुब मीनार के निकट लेकर आ गए और उस मंदिर को पहले ही नष्ट कर दिया। अब याद रखिएगा ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी यह 1600 वर्षों से बाहर खुले प्रांगण में रखा हुआ है और इस पर अभी तक जंग नहीं लगा गया है। अब बढ़ते हैं आगे एरन अभिलेख की ओर। तो एरन अभिलेख याद रखिएगा, इसे सती अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिलेख को जारी किया था गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त ने। अब भानुगुप्त का युद्ध इस समय हो रहा होता है हूणों से, और इनके एक मित्र हुआ करते थे, इसके जो अमाते थे उनका नाम था गोपराज, इसी युद्ध में मारे जाते हैं, जिसके पश्चात इनकी जो पत्नी होती है वो सती हो जाती है, जिसका उल्लेख एरन अभिलेख में किया गया है। इसी कारण एरन अभिलेख को सती अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा एरन नामक क्षेत्र में ये वराह मूर्ति स्थापित है, यहीं पर अभिलेख लिखे गए हैं। फिर बढ़ते हैं आगे एहुल प्रशस्ति की ओर। एहुल प्रशस्ति जो है चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा है। अब बात करते हैं इस रवि कीर्ति के एहुल प्रशस्ति में, याद रखिएगा दो कवियों का उल्लेख है, एक है कालिदास और दूसरे हैं भारवे। और बात करते हैं कि इसमें किस चीज का उल्लेख है, तो यहां पर याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के अभियानों का उल्लेख है, जहां उन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और महेश्वर की उपाधि धारण की। ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो इसे किस राजा के संबोधन में बनाया गया, तो याद रखिएगा मिहिर कुल के जो हुण राजा है, और इसे बनाने का कार्य जो है लेखक धनिक के पुत्र बालादित्य ने किया है। वही बात करें इसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट का भी उल्लेख है, जहां उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार का उल्लेख कराया है। तो याद रखिएगा ये भी जो है विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इसमें तिथि का उल्लेख नहीं है। इस लेख का उद्देश्य याद रखिएगा, प्रतिहार शासकों ने अपने नाम से विष्णु मंदिर बनवाया और साथ ही यह अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, चिरस्थायी करना चाहते थे, इस उद्देश्य से इन्होंने इस प्रशस्ति का निर्माण कराया। आज का हमारा जो अंतिम अभिलेख है वह है देवपाड़ा अभिलेख, जो सेन वंश से संबंधित है। सेन वंश में याद रखिएगा सामंत सेन के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं विजय सेन, जो बहुत ही पराक्रमी शासक होते हैं, जिन्होंने वापस बंगाल में शासन किया और संपूर्ण बंगाल पर अधिकार किया। इस समय इनकी दो राजधानियां होती थी, एक होती थी विजयपुरी और दूसरी होती थी विक्रमपुरी। अब याद रखिएगा इन्होंने राज्य विस्तार के लिए कलिंग, कामरूप और मगध को जीता और क्या किया, बंगाल का उस पर अधिकार हो गया, विजय सेन ने अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। और आगे चलकर आप देखेंगे तो इन्होंने परम महेश्वर, भट्टारक, महाराजाधिराज आदि उपाधि भी धारण किए। विजय सेन के इसी उपलब्धि से प्रभावित होकर श्री हर्ष नामक रचनाकार ने विजय प्रशस्ति और गौड़ विश्व प्रशस्ति काव्यों की रचना की है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।